ये बड़ी खबर आपको बता दें, रोहतक दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक में बीजेपी ऑफिस में बैठक करेंगे। सीएम की अगुवाई में कई बड़े चेहरे भी आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रोहतक पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री और अभी थोड़ी देर में जो कार्यक्रम उसमें कई बड़े चेहरे आज बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और अब बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी भूरा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक हुड्डा भी बीजेपी में शामिल होंगे। ये तीन बड़े चेहरे प्रदेश के, जिनमें से एक प्रदेश की सियासत के बड़े चेहरे रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा, वो भी इस कार्यक्रम में आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वहीं वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हैं स्वीटी भूरा, वो भी आज बीजेपी का दामन थामेगी। उनके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा भी बीजेपी में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतक दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और रोहतक में कई कार्यक्रम, रोहतक में बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की होनी है, कार्यकर्ताओं को भी संदेश देंगे सीएम। तो वहीं तीन बड़े चेहरे बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं, जिनमें पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी भूरा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कबड्डी के दीपक हुड्डा, ये तीनों बड़े चेहरे आज बीजेपी में शामिल होंगे। और सीएम मनोहर लाल रोहतक में पहुंचे हुए हैं। रोहतक के बीजेपी कार्यालय में यह कार्यक्रम होगा जहां ये तीनों बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होंगे। हर्षवर्धन हमारे संवाददाता रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। तो हर्षवर्धन, क्या कुछ ताजा जानकारी? फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोहतक पहुंचे हुए हैं। देखिए जितेंद्र, आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जो है 11 बजे करीब रोहतक पहुंच गए थे और सीधा जो है राजीव गांधी के स्टेडियम से सीधा जो है पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे और वहां पर जो है पार्टी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी में रहे पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने भी जो है आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। और दो और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बताए जा रहे हैं, ये भी बीजेपी में शामिल होने वाले थे। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से दीपक हुड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसने भी जो है आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने वीडियो शेयर करके जो है अपना ये बयान कराया कि भाई उनकी जो है मोदी जी में पूरी आस्था है और इसको लेकर के जो है वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उधर अगर बॉक्सर की बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा की गोल्ड मेडलिस्ट है उसने भी जो है आज जो है इसके अंदर जो है अपना भीम अवार्ड से वो नवाजी गई है सभी टीम, जो आज वो भगवा रंग का कपड़ा धारण कर लेगी और उसने भी बीजेपी में अपनी आस्था जताई है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हर्षवर्धन। तो बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और अब एक बार फिर से ये कुनबे में इजाफा, यहाँ पर तीन बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हुए। हमारे संवाददाता हर्षवर्धन ने बताया, जैसा कि पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बीजेपी में शामिल हुए।